मेरी गर्लफ्रेंड बनी तो मैं उसके साथ F9 पार्क में एक दिन बैठा हुआ था, तो उसके अब्बे को किसी ने शिकायत लगा दी। उसका अब्बा भाग के पहुंच गया और आते साथ मुझे कहा, मैं बैठा हुआ था उसके साथ, मैंने कहा आज तो बढ़ गए। आते साथ मुझे कहते हैं, मौलाना साहब ये मेरी बेटी किसके साथ बैठी हुई थी? मैंने यूं देखा, मैंने कहा बैठी हुई थी, भगा दिया मैंने उसको। अब तो मैं इसे बैठा समझा रहा हूँ, बेटा ऐसी गलती नहीं करते, गलत बात होती है। लेकिन मुझे उस दिन जहाँ इसकी ताकत का अंदाज़ा हो गया था, क्या आपकी गर्लफ्रेंड हो तो आप एक्वा मैन है, गर्लफ्रेंड के साथ छापा पड़ जाए तो तकवा मैन है। अच्छा, लेकिन उनको अंकल को मैं बहुत पसंद आ गया ना, मुझे वो घर ले गए। कहते हैं, मौलाना साहब आप तो बड़े फिट बंदे, आप मेरे साथ घर चले। वो भी ज़रा रिलीजियस बंदे थे। जब उनके घर गया तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब मुझे फतवे देना। मैंने भी दे दिए 2-4 फतवे जो मुझे पता था, क्योंकि लॉयल बंदा हूँ, मैंने तो गर्लफ्रेंड चली थी। और हमारे फिर होटल का ख़र्चा भी कम हो गया, क्योंकि उसे घर में ही सीन हो जाता था हमारा। एक दिन क्या हुआ, उनके घर में जो है वो मौलाना साहब के साथ बाकी भी उनके बॉयज़ बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था। तो मगरिब का टाइम हो गया, मौलाना साहब उन्होंने कहा, उनके जो फादर थे उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आपका तो वज़ू होगा ना? उस दिन वज़ू तो क्या, गुसल भी नहीं था मेरा। अच्छा, मसला ज़्यादा गंभीर हो गया। कहते हैं, मौलाना साहब आए जमात कराएं। मैंने कहा, हम तो डूबे हैं सनम। लेकिन शुक्र है एक अंकल ने जीन्स पहनी हुई थी। मैंने कहा, मैं जीन्स वालों की नहीं पढ़ाता।